क्या हाल चाल है भाई सभी के। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, स्वागत है भाई सभी का। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है भाई सभी के। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब बिल्कुल बढ़िया हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। टाइटल ऐसा क्यों है, सब बताते हैं, चिंता ना करें, सब बताते हैं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, मैं बढ़िया हूँ, आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, स्वागत है भाई सभी का। ये जो आपका क्लास है, बेसिकली इसका टाइटल आपको ऐसा लगेगा कोई डेमो क्लास है या फिर इकोनॉमिक स्पेशल डेमो क्लास, इसका मतलब क्या है? ये तो मन में सवाल आएगा ही आएगा, क्या सर आज एमसीक्यू होने वाले हैं? आंसर इज नो। मैं आप सभी को एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ और ये टॉपिक ऐसा है जिससे सवाल आपके बनते हैं और आप कहेंगे ऑलमोस्ट हर एक बार सवाल बनते हैं, बिकॉज मुझे पता है इकोनॉमिक्स बहुत बच्चों के वीक है। तो मैंने सोचा इकोनॉमिक्स आज आपकी प्लस पे स्टार्ट हुई है तो एक क्लास में आपको यहाँ पर भी दे देता हूँ जिससे आपकी पकड़ बन जाएगी थोड़ी सी। एंड अगर आपने अभी तक भी शुरू नहीं करा तो एक एटलीस्ट आपको बूस्ट मिल जाएगा कि आप खुद भी पढ़ना चाहें तब भी, और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहें तब भी आपको पता रहेगा कि अच्छा यार ये टॉपिक है एंड इसे इस तरीके में पढ़ सकता हूँ। मतलब ये सेशन उनके लिए भी है जो प्लस पे है। अगर आपने सुबह 1 से 3 वाली क्लास दोपहर में नहीं लगाई है तो ये क्लास आपके लिए है। अगर आप ये फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं नियर फ्यूचर में अनअकैडमी प्लस पे आने का तो भी आपके लिए है। अगर आप प्लस पे अभी नहीं आने का प्लान कर रहे तो भी ये क्लास आपके लिए है, बिकॉज आप एक क्लास को लगा के समझ जाएंगे कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको फोकस करने हैं हर एक टॉपिक में। एंड एक टॉपिक में आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, उसके बारे में ए से लेकर जेड तक हम सब कुछ कवर करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा विदाउट एनी डाउट, जिसका नाम है मार्केट। आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, वैसे तो आपको इसके एनोटेशंस वाले नोट्स मिल जाएंगे, बट सजेशन ये रहेगा आप चाहो तो मेरे साथ साथ नोट करना जिससे कि आपके नोट्स भी 7:30 बजे से पहले पहले आपके तैयार हो जाएंगे। प्लस पे जो मैंने स्टार्ट करी है इंडियन, ये करी है प्लैटिनम बैच के अंदर, प्लैटिनम बैच फॉर एसएससी सीजीएल है, इसके अंदर आपकी इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई है, आप वहां पे आराम से क्लास को देख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, सेशन को शुरू करते हैं। एक बार कंफर्मेशन देंगे, वॉइस वीडियो सभी चीजें बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, सभी चीजें बिल्कुल सही होनी चाहिए। कॉपी पेन आप लेके बैठना, आज आपके कमेंट्स थोड़े कम आएंगे और कमेंट्स आप करेंगे भी कम, बिकॉज आज आप एमसीक्यू नहीं, आज आप नोट कर रहे होंगे और बहुत अच्छी बात है सनी। और काफी चीजें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो आपको नोट करनी है, ठीक है? चलो भाई शुरू करते हैं पार्टी, एक बार कंफर्मेशन देंगे, वॉइस वीडियो सभी चीजें सही है, हम शुरू करते हैं एंड डिस्कशन अपना आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पे जो बात करने वाले मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं, मेरी कोशिश ये रहेगी इकोनॉमिक्स का अगर मान लेते हैं आपके पेपर में 3 सवाल देखे और उसमें से एक सवाल आपको मार्केट का देखे, तो कम से कम ये मार्केट का सवाल आपका आधे से 1 घंटे के अंदर मैं पूरा तैयार करा दूं कि एक क्वेश्चन तो अपना बिल्कुल पक्का हो जाए और बाकी टॉपिक्स पर हम आराम आराम से तैयार करते रहेंगे, ठीक है? शुरू करें सेशन को, पेन कॉपी में उम्मीद करो आप ले आए होंगे। मार्केट की हम बात करते हैं, स्पीड में ही अपना सेशन चलेगा थोड़ा सा, बिकॉज डिस्कशन बहुत सारा करना है, कंटेंट ज्यादा होगा, आप साथ साथ नोट करेंगे और मैं आपके नोट्स भी बनाता रहूंगा। कोई सी भी चीज अगर मार्केट है तो उसे मैं बाजार के नाम से जान सकता हूँ, मैं इसे बाजार बोल सकता हूँ, एक बार कंफर्मेशन देंगे। बिल्कुल सर, इसे बाजार बोल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कोई बीच है जिसके ऊपर कोई भी दुकान नहीं है, कोई भी और नहीं है, क्या वो एक मार्केट का एग्जाम्पल होगा? आंसर इज नो, बिकॉज वहां पे कोई सेलर ही नहीं है, कोई कुछ बेच नहीं रहा, कोई कुछ खरीद नहीं रहा और कोई सामान नहीं है जो कि बिकेगा। यानी मार्केट के केस में आपको एक तो बेचने वाला, कम से कम एक बेचने वाला चाहिए, कम से कम एक खरीदने वाला चाहिए। आज एमसीक्यू नहीं होंगे, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि फ्यूचर के जितने एमसीक्यूज आप आराम से बना जाएंगे इस टॉपिक से। मार्केट जो है इसे बाजार बोला जाता है और बाजार होने की कुछ कंडीशंस है स्पेसिफिक, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई मार्केट है तो उसकी कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन ये आती है, वहां पे एक सेलर यानी बेचने वाला होना चाहिए, दूसरे नंबर पे एक बायर यानी खरीदार होना चाहिए, तीसरे नंबर पे एक प्रोडक्ट होना चाहिए, एक सामान होना चाहिए, वो गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी मैं मान लेते हैं फोन बेच रहा हूँ, वो सर्विसेज की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी मैं कोई सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, चौथे नंबर पे उसका कोई ना कोई प्राइस जरूर होना चाहिए, कोई ना कोई प्राइस उसका जरूर होगा, अगर प्राइस नहीं होगा तो फिर वो मार्केट आपका नहीं कहलाएगी, पांचवे नंबर पे कंपटीशन की फीलिंग होनी चाहिए, यानी सेंस ऑफ कंपटीशन मस्ट बी देयर। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए मार्केट होने के लिए कौन कौन सी असेंशियल कंडीशंस है, आप साथ साथ नोट करें। एक एक करके मैं स्लाइड बदलूंगा एंड उम्मीद कर रहा हूँ 1 घंटे के अंदर आपके नोट्स पूरे तैयार हो जाएंगे।
बिल्कुल कट थ्रोट कंपटीशन, सही कह रहे हैं आप। नहीं, अगर आपने प्लस पे क्लास ले रखी है तो आप ये क्लास नहीं भी लगाएंगे तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस पे जो कंटेंट दिया है आपको वहां पे पूरा कंटेंट मिलेगा 100%, तो आपको डबल डबल टाइम अपना नहीं लगाना है। आप चाहें तो लगाएं, रिवाइज करना है तो लगाएं, मिस हो गई है तो लगाएं, और बाकी आपका कॉल रहेगा। आई होप सभी ये बात समझ चुके हैं। कंफर्मेशन देंगे, सभी को पहला पेज समझ आ गया है। देखो स्पेशल वाले बच्चे जरूर इस क्लास को लगाना, जो प्लस पे नहीं है उन्हें 100% पूरी क्लास देखनी है। उसका रीजन ये है, देखो बहुत बार आप कहते हो सर टॉपिक पढ़ा दो टॉपिक पढ़ा दो, मैं सच में टॉपिक पढ़ाने आया हूँ और आप टॉपिक पढ़े, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपका समय नहीं खराब होना चाहिए, समय बड़ा कीमती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जो टॉपिक है जो मैंने पढ़ाया है ये आपको इकोनॉमिक्स के, आज आप सभी को पता होगा पहली क्लास थी 1 से लेके 3 बजे, मैंने आपको इसके अंदर पढ़ाया है। अगर आप प्लस पे नहीं हो तो आप आराम से ये वाला कोर्स लगा सकते हो, प्लस पे आके प्रतियोगिता मंत्र एक बार सर्च कर लेना, प्लैटिनम बैच ढूंढ लेना, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। प्लस पे अगर आप नहीं हो तो इस कोर्स के साथ साथ हमारे बाकी सारे कोर्सेज, चाहे वो आइकॉनिक बैच हो गया, चाहे वो बाकी एजुकेटर्स के बाकी बैचेस हो गए, सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज आप देख सकते हो। एक सिंगल प्लान लेके अन अकेडमी प्लस का, वो जो प्लान है आपको 2 साल का बेस्ट रहता है, 5832, बाकी 2 साल 1 साल कोई सा भी आप ले सकते हो PMYT डिस्काउंट कोड लगा के। आगे चलते हैं, कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। मार्केट अगर आप समझ चुके हैं, मार्केट अगर आप समझ चुके हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में थोड़ा सा, जो अभी अभी आए हैं अपनी कॉपी में आधा से एक पेज छोड़ दें आप और वहां पे आप अपना बाद में नोट्स बना लेना, चलिए बढ़िया है। टाइप्स ऑफ मार्केट में सबसे पहले आता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, हमें जितने नाम है सबके सब समझेंगे। सबसे पहले हमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट समझना है, फिर एक एक करके हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। क्या शुरू करें पार्टी? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट यानी कंपटीशन परफेक्ट होगा, इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि जितने सेलर्स हैं वो बहुत सारे होंगे, लार्ज नंबर में होंगे बेचने वाले, और जितने बायर्स हैं ये भी बहुत सारे होंगे यानी खरीददार भी बहुत सारे होंगे, लार्ज नंबर में होंगे। इसके अलावा ये जो सामान बेचेंगे वो होमोजिनस होगा। होमोजिनस सामान का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, होमोजिनस प्रोडक्ट होगा। होमोजेनस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो कि सेम होता है। सेम का मतलब है एक मार्केट में आप चले गए हो जहां पे सबके सब लोग, फॉर एग्जांपल एक मोबाइल है एनेट, पूरा बाजार यही एनेट बेच रहा है और यही एनेट बेच रहा है 200 रुपए का, ना ही 199 का है ना ही 201 का है, सेम दाम सेम काम बिल्कुल सेम रेट होगा, तो वो एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहलाएगी। अब मुझे एक बात बता दो, अगर यहाँ पे 100 दुकानें हैं और सबकी सब 100 दुकानें एक मोबाइल बेच रही है N8 मान लेते हैं, और ये N8 का दाम 200 रुपए है, तो अगर मैं कहता हूं मैं जाऊं इस मार्केट में और मैं कहूं मैं 210 का बेचू, तो क्या मैं इस मोबाइल को बेच पाऊंगा 210 का? अरे भाई ग्राहक आया है तो ग्राहक को पहले से पता है वो 200 की चीज मैं नहीं बेच पाऊंगा। क्या मैं इसे 190 का बेच दूंगा? थ्योरिटिकली यस, थ्योरिटिकली तो यस, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसे बाजार में मार्जिन पहले से बहुत कम होता है, तो जनरली क्या होता है मुझे सामान 195 का पड़ा है, 5 रुपए मार्जिन रखूंगा मैं बेच दूंगा, तो प्रैक्टिकली अगर मैं इतने का बेचूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा, मुझे लॉस हो जाएगा। इसका मतलब ये है ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपको समझा रहा हूं, अगर मैं सस्ता बेचूंगा नुकसान हो जाएगा तो मैं नहीं बेच सकता, महंगा बेचने पे कोई खरीदेगा नहीं, तो क्या सारे के सारे सामान का जो प्राइस है वो बिल्कुल फिक्स हो गया? मैं उम्मीद कर रहा हूं बात समझ पा रहे। और ये प्राइस कोई भी दुकानदार चेंज नहीं कर सकता, ये ओवरऑल जो मार्केट फोर्सेस है यानी जो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का कर्व है उसके हिसाब से चलेगा। एग्जाम्पल इसका एक मान लेते हैं सब्जी मंडी की बात आपसे कर लेते हैं, सब्जी मंडी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सब्जी मंडी आप एक इमेजिन करें जिसमें सिर्फ आलू ही आलू बिक रहा है, सेम आलू कॉपी पेस्टेड, वही सेम आलू, बिल्कुल सेम आलू जो आप इस समय घर बैठे बैठे हो सकता है कई लोग बन चुके हो, यही सेम आलू आपका यहाँ बिक रहा है, बिल्कुल सेम आलू, और ये आलू आपका मान लेते हैं 20 रुपए किलो, 20 रुपीज पर किलो आपका ये आलू मिल रहा है, तो अगर यहाँ पे 100 दुकानें हैं तो 100 की 100 दुकानें इसे 20 रुपए किलो का बेचेंगे, ना ही कोई 19 का बेच सकता है ना ही कोई 21 का बेच सकता है, तो प्राइस ये जो फिक्स हुआ है 20 रुपए का, ये प्राइस फिक्स हुआ है आपका इंडस्ट्री के द्वारा। इंडस्ट्री का मतलब बेसिकली आप यहाँ पे ऐसा समझे जो फार्मिंग है, फार्मिंग सेक्टर के द्वारा ये प्राइस फिक्स करा गया है, ना कि उस दुकान वाले के द्वारा जो कि आपका मंडी के अंदर इंसान बैठा हुआ है। क्या मैं उम्मीद करूं आप ये बात समझ गए? एक बार कंफर्मेशन देंगे, भाई उसे सामान मान लेते हैं 19 का मिला तो उसने 20 का बेच दिया,
कल को उसे सामान 20 का मिलेगा वो 21 का बेच देगा। आपने सुना होगा सब्जी मंडी जब आप जाते हैं तो कहते हैं अरे भैया आलू जो है पहले से ही बहुत महंगा आ रहा है, बहुत महंगा आ रहा है, फिर सस्ता हो जाता है। अब मान लीजिए 18 का हो गया तो 19 का बेच देगा। यानी जो दुकानदार है, क्या दुकानदार का उसके प्राइस पे कोई फर्क पड़ेगा? दुकानदार का नो इफेक्ट। यानी दुकानदार को यहाँ पे फर्म बोलूंगा, फर्म का मतलब बेसिकली वो शॉप जो कि उस सामान को बेच रही है, इस फर्म का नो कंट्रोल है, यानी कोई कंट्रोल नहीं है, नो कंट्रोल ओवर प्राइस। फार्मिंग का बस मैंने एग्जांपल दिए है आपको, एक कुछ भी आप एग्जांपल मान सकते हैं, वो तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल केस मैंने बनाया है, एक हाइपोथेटिकल बस केस मैंने बनाया है। यहां तक आप बात समझ चुके, एक बार कंफर्मेशन देंगे, यहां तक ऑल गुड है, किसी को कोई डाउट तो नहीं? चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सेशन खत्म होने से पहले पहले, लेकिन आपको पहले मेरी बात सुकून से समझनी ही पड़ेगी। यानी अगर मैं आपसे कहता हूँ एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, तो इसमें सेलर्स कितने हैं, ज्यादा या कम? मैनी। बायर्स कितने हैं, ज्यादा या कम? मैनी। और इसके अलावा जो प्रोडक्ट है वो कैसा है? प्रोडक्ट है आपका सेम। और यहां पर जो लोग आते हैं उन्हें सामान का पूरा ज्ञान होता है। अगर आप सब्जी मंडी में गए हैं तो अगर वो आपको कहेगा भी हल्द्वानी आलू देना, तो आपको पहले से पता होगा हल्द्वानी आलू कौन सा है और चिप्सोना आलू कौन सा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी आपको जो बायर है और जो सेलर है इसे पूरा ज्ञान होता है सामान का। है आप परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, कोई बात नहीं, ये बात आप समझ चुके हैं। प्रोडक्ट का, गुड्स का, सर्विसेज का उसे पूरा ज्ञान है, गुड्स एंड सर्विसेज का उसे पूरा ज्ञान होगा, इसी वजह से वो वहां पे आराम से बैठा हुआ है। इसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं, वेजिटेबल मार्केट इसका एग्जांपल हो गया, वेजिटेबल मार्केट। इसके अलावा मान लेते हैं कोई चावल की मार्केट है, चावल की मार्केट में भी सेम सिचुएशन हो गई। कोई दालों की मार्केट है जिसमें एक ही टाइप के कोई दाल बिके जा रही है। आई होप थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बन पा रहा है, डेवलप हो पा रहा है, कंफर्मेशन देंगे, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट। देखो इट टेक्स टाइम, अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पे आऊँ और सर 12 मिनट की वीडियो में सर तो पूरा करा देंगे, तो भाई ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे किराना शॉप इसका एग्जाम्पल नहीं होगा, किराना शॉप आगे चल के आपको हम अलग से पढ़ाएंगे, बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, एक और मार्केट के बारे में बात करते हैं जो आपकी मन पसंद की मार्केट है, जिसका नाम है मोनोपोली। मोनोपोली, मुझे इतना बताओ, अगर मैं कहता हूँ सोना, तो सोना को बाय करना समझदारी है या सेल करना समझदारी है? आपने सुना होगा जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं भाई इसे खरीद के संभाल लो, रख लो, बेचो मत, क्या पता फ्यूचर में काम आ जाए। ये बात आपने सुनी होगी अपने घर में, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं उम्र में, वो कहते हैं भाई सोना नहीं बेचना चाहिए, बिल्कुल लास्ट में कहीं फंस जाओ तो ही बेचना, बिकॉज सोना जो है बड़ी काम की चीज है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूँ कहीं पे सोना या सोने लिखा है, तो सोने का मतलब बाय होगा, सेल नहीं होगा। और कहीं पे पॉली लिखा है, पॉली का मतलब आपका क्या होगा? बाय होगा। पॉली का मतलब आपका सेल होगा, कंफर्मेशन देंगे, ये बात आप समझें। इकोनॉमिक्स का सेशन ले आएंगे आप, अभी ये वाला आराम से लगाएं अच्छे से। यानी कहीं पे पॉली लिखा है तो वो कहना चाहता है भाई मैं हूं सेलर, कहीं पे मोनो लिखा है वहां पे इसका मतलब है वन। मोनो का मतलब वन होता है, मोनोमर, मोनोमियल, कहीं पे भी आप मोनो लिखा हुआ देखते हैं, मोनोसैक्राइड, तो इसका मतलब होता है वन, सिंगल। अगर इसका मतलब मैं आपसे पूछता हूँ मोनोपोली का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर मोनोपोली में मोनो का मतलब वन है और पोली का मतलब सेलर है, और इसके साथ मैनी बायर्स होंगे, खरीदने वाले बहुत सारे मैनी बायर्स होंगे इसके। ऑन द अदर हैंड मैं आपसे कहता हूँ, मान लेते हैं मोनोसोनी, ये SSC CGL का सवाल है, CGL 2018 का सवाल है, और बहुत बच्चे इसे गलत करके आते, बहुत बच्चे। यहां पर आप कहेंगे वन बायर होगा और मैनी सेलर्स होंगे। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इंडियन रेलवेज। क्या इंडियन रेलवेज के अलावा अपने पास कोई ऑप्शन है? अगर मुझे ट्रेन में सफर करना है तो क्या मैं किसी और ट्रेन में सफर कर सकता हूँ? चाह कर भी, क्या मैं अपने मोहल्ले वालों से पैसे इकट्ठे करके कोई ट्रेन बना के अपनी पटरी बना सकता हूँ? इम्पॉसिबल। क्या जो घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी में अपनी चेंज कर सकता हूँ इलेक्ट्रिसिटी के बिल को? नहीं। कि टाटा की आ रही है, टाटा की मुझे पसंद नहीं आ रही, हटा दो इसे, बिरला की कर लो,
ऐसा तो पॉसिबल नहीं, जो आ रही है वही आ रही है, यानी ये सब आपके जो एरियाज हैं, सेक्टर्स हैं, यहाँ पे मोनोपोली है किसकी, सो एंड सो भी, चाहे वो इंडियन रेलवेज हो गया, सरकार की हो गई वहां पे, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के बिल में हो गया, जो भी आपका एरिया उस पर डिपेंड करता है, कहीं टाटा की है, कहीं किसी की है, कहीं किसी की है, वो एरिया पे डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं आपसे मोनोपसोनी की। अगर मैं आपसे मोनोपसोनी की बात करता हूँ, मोनोपसोनी, मुझे बताओ टॉपिक तो सही लग रहा है, भारी तो नहीं हो गया टॉपिक, जिंदा हो गई, एक बार बता दो, कहीं ऐसा ना हो मैं ऐसी मेहनत कर रहा हूं। मुझे बताएं सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं क्या आप अपने नोट्स बना रहे हैं साथ साथ। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, अभी शुरुआत है। देखो ये सब पेपर पूछता है तो ध्यान रखेंगे, टॉपिक मैं इंपॉर्टेंट ही उठा के लाया हूँ आपके लिए, आप आराम से इसे सीखें। अच्छा स्पीड ज्यादा है, आप मुझे बता देना, मैं स्पीड थोड़ी धीरे कर दूंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप नोट्स बना रहे हो इसलिए नहीं बोल रहे, फिर ठीक है। चलो चलो आगे, लैग आ रहा है, एक बार आप रिफ्रेश कर लें, एक बार रिफ्रेश कर लें, आगे चलते हैं, कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं आपके साथ। अगर मैं आपसे मान लेते हैं मोनोपसोनी की बात करता हूं, तो मोनोपसोनी के एग्जाम्पल्स हो गए आपके, मान लेते हैं FCI और फार्मर्स। अगर मैं फार्मर की बात करूंगा तो फार्मर यहाँ पे सेलर होता है, ये अपनी फसल को बेचता है और FCI उसे खरीदता है, यानी ये बायर हो गया। बायर यहाँ पे वन है ओनली और सेलर यहाँ पे मेनी है, बिकॉज हजारों लाखों किसान ऐसे होंगे जो कि एक कंपनी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को अपना जो अनाज है उसे बेचेंगे। तो ये एग्जाम्पल हो गया एक मोनोपसोनी का। क्या आप ये बात समझ चुके हैं, एक बार कंफर्मेशन देंगे, आप इसे नोट करें, जहां पर भी आपको रुकना हो मुझे एक बार बता देना, मैं स्लाइड रुक के आपको नोट करा दूंगा। चलते हैं आगे, कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। अब थोड़ी सी मोनोपोली पे वापस चलते हैं और मोनोपोली की थोड़ी सी आपके साथ बात कर लेते हैं। मोनोपोली की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, मोनोपोली जो आपका है इसके अंदर आपको सिंगल सेलर देखने को मिलता है। ये आपके नोट्स कुछ इसी तरीके बनने चाहिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, खरीददार बहुत सारे होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है नो अदर सब्स्टिट्यूट इज अवेलेबल। क्या कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा प्रैक्टिकली, कोई सब्स्टिट्यूट कभी अवेलेबल हो सकता है इसका? मान लेते हैं रेलवे, अगर मैं ट्रेन की बात करूं, ट्रेन का कोई सब्स्टिट्यूट ट्रेन की फील्ड में नहीं होगा, बस में जा सकता हूँ, गाड़ी में, ओला में, ऊबर में, लेकिन मैं कहूँ ट्रेन, तो ट्रेन के केस में कोई सब्स्टिट्यूट आपका अवेलेबल नहीं होगा, सिंगल सेलर है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिसकी वजह से मोनोपोली के केस में आप पे वेरी हाई चांसेस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। भाई अगर उसे पता है कि मैं इसे लूट सकता हूं तो बिजनेस का बेसिक फंडा ये है कि वो हमें लूटेगा। जैसे कि सैनिटाइजेशन के केस में आप समझो, जो सैनिटाइजर स्टार्टिंग में बिक रहे थे, कुछ भी बिका है, कुछ भी, मतलब कुछ भी कहते हो ना, गुलाब जल से लेकर गंगा जल तक ना जाने क्या क्या खरीदा है लोगों ने, और मतलब इतना लूटा है जिसका कोई हिसाब नहीं है, हर्बल से लेकर ना जाने क्या क्या सब बिका है, हर्बल हो या बिरबल हो सब मार्केट में बिका है। और अब फाइनली जाके जो बड़ी कंपनीज आ गई है तो जाके सिचुएशन थोड़ा सा स्टेबल हुई है। हाई चांसेस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो चीज आपकी 100 रुपए की है अगर आपको पता है मार्केट में वो नहीं है तो आप सीधा उसे 500 की बेचने की कोशिश करोगे। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे यहाँ पे होगा नो कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन नहीं होगा, ये बात तो आप समझ गए ना भाई, कोई है ही नहीं, एक ही बेचने वाला है, एक ही बेचने वाला। क्लास में मैंने आपको जो इसका एग्जांपल दिया याद करो, कॉलेज के सामने या तो एक चाय वाला हो सकता है, याद करो यार, जो चाय 6 की जगह 10 की देता है वही वाला, हाँ, या फिर वो हो सकते हैं स्नूकर वाले भैया, स्नूकर वाले भैया जो होते हैं, ये भी ऐसे ही है कि सेमेस्टर से पहले गए तो 80 रुपए था, बाद में आए तो उसने कहा भी 120 रुपए हो गया, या फिर हो सकता है टेबल टेनिस खेलने वालों में से टेबल टेनिस वाला भी हो सकता है भाई साहब। यानी बेसिकली वहां पर आप, उन्हें पता है कि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, तो आप मजबूरन वहां पे फंस जाओगे और आपको वो सामान लेना ही पड़ेगा। आई होप आप यहां तक बात समझ चुके हैं, बेसिकली इन्हीं की चलेगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आगे चलते हैं, कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की अगर मान लेते हैं मैं आपसे बात करता हूँ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की और इधर मोनोपोली की बात करता हूँ, तो दोनों में आप क्या फर्क समझ चुके हैं? अगर मुझे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में अपनी दुकान खोलनी है तो क्या ये काम आसान है या मुश्किल है? ये काम आसान है, बिकॉज
इजीली मेरा भी सामान अगर सबका 200 का बिक रहा है, मेरा भी सामान 200 का बिक जाएगा। सब्जी मंडी कभी आप देखोगे तो वहां पे एक दुकानदार आ गया कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चला गया कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी यहाँ पे जो एंट्री है और एग्जिट है दुकान की, वो इजी है, बहुत आसानी से आप यहाँ पे दुकान खोल सकते हो, अपनी दुकान बंद कर सकते हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मोनोपोली में अगर आप एंट्री करना चाहो तो जो वहां पे वो बैठा है किंग, शायद आप समझ पा रहे हो कि किस किंग की बात कर रहा हूँ, वो कुछ भी करके आपको उखाड़ के फेंक देगा और आपको उठा के आपके घर वापस छोड़ के आ जाएगा कि बेटा तू घर पे बैठ, तू ऐसे कैसे यहाँ पे आ गया, ये मेरा इलाका है। यानी यहाँ पर एंट्री जो है बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज वहां पर पहले से किंग बैठा हुआ है। और इसी तरीके एग्जिट भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज वहां पर बहुत बड़ा एक आप कहेंगे जगह खाली हो जाएगी, तो एग्जिट भी कोई नहीं करना चाहेगा बिकॉज वो ऑलरेडी मोनोपोली एंजॉय कर रहा है। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। यानी वो एग्जिट नहीं करना चाहेगा, एंट्री कोई कर नहीं सकता, यानी एंट्री और एग्जिट जो है काफी यहाँ पे डिफिकल्ट साबित होती है। एंट्री एग्जिट जो होगी आपकी काफी भारी होगी, काफी मुश्किल होगी। कंफर्मेशन देंगे आप ये मोनोपोली वाली सिचुएशन समझ चुके हैं। अब मैं कुछ आपसे चार पांच सवाल पूछूंगा। पहला मैं आपसे मान लेते हैं पूछता हूँ, एक सुपरमार्केट, सुपरमार्केट ऑप्शन में सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है और मोनोपोली है। सुपरमार्केट जहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की सुपरमार्केट है, जहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती है, आप आंसर दे रहे हैं ए, आपको एक नंबर मिलता है। दूसरा मेरा सवाल आपसे रहेगा, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के अंदर मेट्रो ट्रेन, दिल्ली की मेट्रो, दिल्ली मेट्रो आपका मोनोपोली, बिल्कुल सही, मोनोपोली बिल्कुल सही। अब तीसरा सवाल जो मेरा आपसे रहेगा, मान लेते हैं वाटर बिल, मेरे घर पे वाटर बिल आया है, ये मोनोपोली से जुड़ा हुआ है या फिर ये आपका पीसीएम से जुड़ा हुआ है? ये मोनोपोली से जुड़ा हुआ है, बिकॉज यहाँ पर भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जहां से पानी आ रहा है वहीं से आएगा। अब मैं अपने घर के बाहर कुआं नहीं लगा सकता हूँ, मेरे लिए इतना आसान नहीं है। ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हमने समझे हैं। अब इसमें से हमें जो बात समझनी है वो ये समझनी है, नई मार्केट होती है जिसका नाम होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। अच्छा यहां तक के नोट्स बना ली है, मैं थोड़ा वेट करूं क्या, ये एग्जांपल्स नोट कर लो, जब भी लगता है तो मुझे बता देना, मैं स्लाइड रोक दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो बना लिए, आगे चलते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, इसकी अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये मोनोपोली जो है मोनोपोली जैसी नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू मोनोपोली, याद रखेंगे, दिस इज वेरी क्लोज टू परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जैसा है। यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि सेलर्स जो है वो भी आपके बहुत सारे लार्ज नंबर है, और अगर मैं आपसे बायर्स की बात करता हूँ ये भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो सामान बिक रहा है ये आपका हेटेरोजीनस है, हेटेरोजीनस यानी आप कहेंगे डिफरेंट सामान बिक रहा है, डिफरेंट सामान, ये की वर्ड है याद रखना, पेपर ये वर्ड लिख के देता है और ऑप्शन में मोनोपोलिस्टिक भी डालता है, परफेक्ट कंपटीशन भी डालता है, आपका आंसर इसमें होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ये आपका आंसर नहीं होता है। यानी अलग अलग सामान बिकेगा, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, आपके घर के पास वो छोटा सा कॉम्प्लेक्स होगा, याद करो जिसे कॉम्प्लेक्स के नाम से आप जानते हो सकता है आपके घर के पास एक मॉल हो, ये जो है यहाँ पर अलग अलग दुकानें हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लेकिन अलग अलग सामान बेचा जा रहा है, कोई वुडलैंड की जीन्स बेच रहा है, कोई वुडलैंड के जूते बेच रहा है, कोई वहां पे लुई फिलिप का सामान बेच रहा है, कोई बिग बाजार खोल के बैठा है, कोई वहां पे ट्रेन भगाया जा रहा है, कोई वहां पे कुछ कर रहा है, कोई वहां पे सबसे जरूरी काम कर रहा है, वो सबसे जरूरी काम है स्वीट कॉर्न बेच रहा है वहां पे, और बाकी सब मतलब कुछ करो ना करो, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट काम तो यार सच में यही है कि मतलब कुछ होना हो यहाँ पे हाजिरी जरूर देनी बनती है। कोई कॉस्मेटिक, बहुत सारे अलग अलग सामान हो सकते हैं, बिल्कुल सही बेटा, केएफसी, तुम सावन मुझे ऐसी बातें कराओ, मेरे से पाप चढ़ाओ तुम केएफसी बोल के। चलो कॉम्प्लेक्स मॉल जो है ये सब आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के एग्जांपल्स हैं।
जो लेट आया है मैं उसे बता देता हूँ कि ये जितना भी डेटा मैं आपको बता रहा हूँ ये हम इकोनॉमिक्स के बैच में डिस्कस कर रहे हैं, इससे भी बड़े लेवल पे, बिकॉज वहाँ 2 घंटे की क्लास होती है, ज्यादा समय होता है, और ये आपको प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करने पर मिलेगी। बहुत बच्चे ये पूछ रहे थे सर ये क्लास मिलेगी कैसे, बिकॉज उन्हें अलग से इकोनॉमिक स्पेशल पे कुछ नहीं मिल पा रहा। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि आपको प्लस पे प्लैटिनम बैच ढूंढना है प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करके, और वहां से आपको मिलेगा। बाकी अगर आप प्लस पे नहीं हो तो मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ, आप इस पे क्लिक करके इसमें डिस्काउंट कोड आपका लगा हुआ आप सीधा प्लस पे आ सकते हो। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज और भी हैं, तो आप वो कोर्सेज भी देख सकते हो, उसके लिए आपको अलग से कुछ भी पे नहीं करना होता। ये आप सभी को मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता है ना, अभी प्लस का सुबह वाली क्लास सभी लोगों ने लगाई थी, एक बार कंफर्मेशन देंगे। सुबह वाली क्लास हमने लगाई ना, उसमें पूरा मैंने प्लस को क्लियर कर दिया है, अगर नहीं लगाई तो आराम से देख लेना। जितने एजुकेटर्स है सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेस है, आपके सामने फोटो है, बहुत सारे एजुकेटर्स है, 50 से ऊपर बैचेस हैं, जैसे कि आप यहाँ पे बहुत सारे बैचेस देख सकते हैं। आराम से PMYT डिस्काउंट कोड लगाओ और पूरे अनअकैडमी प्लस की SSC कैटेगरी आपके लिए अनलॉक हो जाती है, ठीक है। और इसमें हमारे भी बैचेस है, फ्यूचर में बैचेस आने वाले, आप आराम से देख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं आप पूरी बात अच्छे से समझ चुके हैं, कहानी को आगे लेके चलने का समय आ चुका है। चलो जी आगे चलते हैं, अब ध्यान से मेरी बात समझना। अगर हमने यहां तक समझ लिया तो आप मान के चले 50% काम हो चुका है। नहीं, पंजाबी होकर चिकन नहीं खाते यार, ऐसा नहीं है। मैं आपको बस क्या बताऊं अपना बेटा, ये मंगल ना होता ना तो आपने हैट्रिक सुना है, हैट्रिक तीन तीन बार में होता है, 7 बार में जो होता मैं वो कर देता। चलो और बताओ। चलो आगे चलो, अब ध्यान से सुने, यहां पर क्या होता है, अब एक अगला नाम का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली की थोड़ी सी हम बात करते हैं। ओलिगोपोली से सवाल आपको, कभी आपने 6:30 वाली क्लास लगाई है तो क्या आपने वहां पे सवाल देखा है? 6:30 वाली क्लास में आपने वहां सवाल बहुत बार देखा हो। और भाई बैटरी लो मत करो यार ऐसे अपनी, मैं जानता हूँ MCQs में ज्यादा मजा आता है कि एक बार कंफर्मेशन दो। देखो एक बात हमेशा याद रखना, MCQs में कितना ही मजा है लेकिन प्रैक्टिकली MCQs सही तो इसी ज्ञान से होंगे ना, बिकॉज लाइफ में एक बार तो आपको अपने हाथ से निकालना पड़ेगा। एक बार अगर आपने निकाल लिया तभी MCQs अपने बढ़िया से होंगे। तो कोशिश करते हैं एक बार ना इस टॉपिक को निपटा लेते हैं, जिससे लाइफ में आगे जाके आपके MCQs बिल्कुल सही। आधे घंटे की और बात है, चीजों को सीखते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर आगे चलते हैं। आप ही के लिए देखो क्लास रखी है यार, जिससे कि आप कम से कम इसे समझ पाओ कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है। अगर मैं आपसे ओलिगोपोली की बात करता हूँ, ओलिगोपोली बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैं आपको एक ही बात कहूंगा, जय जियो। जय जियो का मतलब सर आप जियो का प्रमोशन कर रहे हो। बेटा मैंने जिंदगी में एक सेकंड भी जियो का सिम नहीं खरीदा है, तो मैं जियो का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, घबराओ मत। और मैं आपको समझा देता हूँ जियो का नाम मैंने यहाँ पे क्यों लिया है। बिकॉज क्या होता है, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं, फ्यू सेलर्स एंड लार्ज सेलर्स। इसका मतलब क्या है, कुछ सेलर्स होंगे जो कि बड़े सेलर्स होंगे, यानी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एयरलाइंस का। एयरलाइंस में क्या ऐसा कुछ है कि कुछ भी कोई चंगू मंगू कंपनी खोल के बैठ जाएगी अपना? मुझे बताओ कि मान लेते हैं एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ भी XNY Suns, ये हमारे फ्लाइट है, यहाँ से आप अपना क्या कर सकते हो, दिल्ली से मुंबई जा सकते हो, और बीच में अगर हम आपको गलती से मान लेते हैं पुणे में गिरा दे तो प्लीज आप पुणे से टैक्सी कर लेना, पुणे से 2-3 घंटे का ही रास्ता है, हम कोशिश करेंगे आपको पहुंचा देंगे। नहीं पॉसिबल है, बिकॉज ये काम सिर्फ बड़ी कंपनीज कर सकती है, बड़ी कंपनीज कर सकती है, सिर्फ ये पॉसिबिलिटी है। यानी एयरलाइंस में जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए आपके, इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, इसके अलावा आपका एयर इंडिया हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होंगे, विस्तारा हो गया, एयर एशिया हो गया, ये बड़े बड़े जो सेलर्स हैं बेसिकली यही इस काम को कर सकते हैं। यानी आप कहेंगे एयरलाइंस एक टाइप की ओलिगोपोली का एग्जांपल होगी, इसमें कुछ ही सेलर्स हैं लेकिन वो बहुत बड़े हैं रेवेन्यू वाइज। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इसमें मैं जोमैटो को डाल सकता हूँ, जोमैटो को और स्विगी को, ऐसे आप कहेंगे आगे बहुत सारे डाल सकते हैं। क्या इसके अंदर मैं पेट्रोल पंप्स को डाल सकता हूँ? अगर आप पेट्रोल पंप्स देखोगे तो गिने चुने आपको, भले ही पेट्रोल पंप के स्टेशन कितने भी मिल जाए बट कंपनीज आपको गिनी चुनी मिलेगी, या तो भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, रिलायंस, गिनी चुनी 4-5-10 कंपनियां होंगी। क्या मैं इसके अंदर गाड़ियों को डाल सकता हूँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर डाल सकता हूँ? ऑटोमोबाइल सेक्टर को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपको पता होगा एक इंसान है DC, दिलीप छाबड़िया, ये वही टार्ज़न द वंडर कार,
इतना मुश्किल है ओलिगोपॉली में घुसना कि आपको और मुझे दोनों को पता है कि इनका जो कला है बहुत ही बड़े लेवल पे, लेकिन प्रैक्टिकली आज भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा यहाँ पे कि आपको डीसी की गाड़ियां उतनी फ्रीक्वेंटली दिख रही हैं जितने कि आपको मारुति सुजुकी की दिख रही है या फिर शेवरोले, तो चलो कई, लेकिन इन जनरल अगर मान लेते हैं मैं ह्यूंडई की बात करता हूँ, होंडा की बात करता हूँ, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है सिर्फ आपको वही यहाँ पे टिक पाती है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरे तरीके क्लियर हो गया। जोमैटो और नहीं आएगा, एक बार मैं देख लेता हूँ पूरा आपका डाउट क्या नहीं आएगा इसके अंदर ना, वो तो बस सर्विस, नहीं, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, मैं तो वो भी एक कंपनी हो गई बेसिकली, दे आर प्रोवाइडिंग अस अ सर्विस, जैसे कि एयरलाइंस वाले हमें एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आगे चलते हैं, आई होप आप बात समझ गए हैं, थोड़ा बहुत आपका बेस पक्का हो गया। डोमिनोज जो है आपका ओलिगोपॉली में आएगा, बिकॉज डोमिनोज के साथ यहाँ पे आपको डोमिनोज दिखेगा, पिज्जा हट दिखेगा और एक दो आपको और ब्रांड्स दिख जाएंगे। मान लेते सिर्फ दो ही हैं तो इस केस में मैं इसे डुओपॉली मानूंगा, डुओपॉली, क्योंकि दो ही आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं, सब चीजें समझाएंगे, चिंता ना करें, सब चीजें समझाएंगे। अब ओलिगोपॉली की एक बड़ी खास बात है, ओलिगोपॉली की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ओलिगोपॉली में क्या होता है, जो कंपनीज हैं ए बी सी और डी, ये आपस में क्या करते हैं, मान लेते हैं पहले इसने अपना रेट कर रखा था 500 रुपये फॉर एग्जाम्पल पर मंथ का, इसने अपना 400 कर दिया, इसने 300 कर दिया और इसने अपना 400 कर दिया, तो क्या अल्टीमेटली यहाँ पर अब ये भी अपना प्राइस काट के 300 करेगी, ये भी 300 करेगी, ये भी 300 करेगी, अब अल्टीमेटली इसे कंपटीशन में रहने के लिए 250 करना पड़ेगा, तो ये भी 250, ये भी 250 और ये भी 250, तो प्रैक्टिकली क्या होता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इससे कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो खत्म हो जाता है। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो प्रॉफिट जो है वो खत्म हो गया पूरे तरीके, तो अब क्या करा जाए, तो कंपनीज आपस में फोन मिलाती है और कहती है हेलो कौन, तो कहता है मैं ए बोल रहा हूँ, हेलो कौन, मैं बी बोल रहा हूँ, हेलो कौन, मैं सी बोल रहा हूँ और मैं डी बोल रहा हूँ। एक काम कर लेते हैं, आपस में एक सौदा कर लेते हैं। सौदा किस चीज का, दिल का सौदा करेंगे, नहीं, बिजनेस का सौदा करेंगे, यानी हम एक दूसरे को जुबान देते हैं और जुबान ये है कि हम सबके सब जो अपना प्लान लाएंगे वो 249 का ले आएंगे, 249 रुपीज पर मंथ का, और उसमें हम क्या करेंगे प्रैक्टिकली 249 पर मंथ को आप उसके अंदर ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, यानी सबने अपना प्राइस लॉक कर दिया और इससे नीचे प्राइस नहीं जाएगा, जिससे कि ये सब मिलके हमें आराम से लूट सके। इस सिस्टम को कहते हैं कार्टल सिस्टम, ये शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं 6:30 वाली क्लास में करा चुका हूँ। कार्टल जो बनता है वो ओलिगोपोली में बनता है, कार्टल वर्ड इज रिलेटेड टू ओलिगोपोली, याद रखेंगे, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में मत कहना, कार्टल जो है ओलिगोपोली से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा जियो का जो प्राइस है वही प्राइस आपको एयरटेल का देखने को मिलेगा, वही प्राइस आपको आइडिया का देखने को मिलेगा, वही प्राइस आपको वोडाफोन का देखने को मिलेगा। सेम इसी तरीके इंडिगो का जो प्राइस होता है फ्लाइट का, वही प्राइस आपको विस्तारा का देखने को मिलेगा और वही प्राइस आपको एयर इंडिया का देखने को मिलेगा, वही प्राइस आपको एयर एशिया का देखने को मिलेगा। ऐसा इसीलिए है बिकॉज इनकी आपस में पहली बात हो गई है, भाई सो एंड सो रेट पे हम अपना चीजों को बेचेंगे। आई होप आप बात थोड़ी बहुत समझ पा रहे हैं, सिचुएशन कंट्रोल में है कि नहीं है, एक बार आप मुझे बताएं। अरे भाई सीख पा रहे हो, ईमानदारी से बताओ। ये सीजीएल 18 में आ चुका है, सीजीएल 19 में भी इससे सवाल बने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीखना है, साथ साथ नोट्स करो, साथ साथ नोट्स अपने बनाते चलो, नोट करते चलो, और कोई भी डाउट हो पूछ लो, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। डाउट हो कह दो सर नहीं आया समझ, दोबारा समझाओ, दोबारा समझाओ, नहीं आया समझ दोबारा समझाओ, अरे हम समझाएंगे क्यों, चिंता ले रहे, ठीक है। अच्छा सब नोट कर रहे हैं तो ठीक है, ठीक है, नोट करो आप आराम से, सब नोट अगर बना रहे, नोट्स बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। कार्टल क्या होता है, कार्टल आप इस तरीके समझे, उत्पादक संघ, यानी ग्रुप होता है कंपनीज का जो कि सेम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सेम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में अगर आप जाओगे तो हॉस्पिटल वालों ने सबने क्या कर रखा है, अपना पर्चा जो है 500 रुपए का लॉक कर दिया। कभी नोटिस करना, पहले ये जो पर्चा हुआ करता था, ये जो पर्चा है फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं 300 का हुआ करता था, फिर अचानक सारे हॉस्पिटल्स का 400 हो गया, नोटिस कराओ आपने, अब 500 हो गया। कई कई शहरों में तो 500 की जगह 800 भी है, 1000 भी है। अगर मैं अपने शहर की आपसे बात करूँ, ऑन एन एवरेज आपको 500 का पर्चा, जो बेसिकली आप कहेंगे प्रिस्क्रिप्शन चार्ज जो होता है 500 होता है,
ये एक टाइप का कार्टल हो गया, बिकॉज सबने आपस में अपना जो प्राइस है वो लॉक कर दिया। कंफर्मेशन देंगे साई हॉस्पिटल में, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलो आगे चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जाने से पहले 10 से 20 सवालों का आपका टेस्ट लेके जाऊं, ये बताओ मुझे। 20 क्वेश्चन का टेस्ट हो जाए, 20 में से अपना स्कोर देखेंगे, और ये जो टेस्ट होगा आपका, ये टेस्ट आपका पोल में नहीं होगा, कमेंट में होगा। ईमानदारी से अपना स्कोर बताएंगे आप, एंड डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं फटाफट। पोल में नहीं होगा, कोशिश हम करेंगे कि कमेंट में फटाफट से टेस्ट लेंगे, ठीक है। शुभम, क्योंकि अभी रिवाइज नहीं करा, मैं रिवाइज करा दूंगा, चिंता मत करो। सेशन जाने से पहले रिवाइज करा के जाऊंगा, चिंता मत करो, बस सुनते चलो और सुनते चलो, परेशान मत हो, ठीक है। अगर मैं बायलेटरल की बात करता हूँ, चलो मैं प्लान कर लूंगा, अगर मैं बायलेटरल मोनोपोली की बात करता हूँ, बायलेटरल मोनोपोली की अगर बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको बाय दिखेगा, यानी आपको दोनों तरफ से दिखेगा। मोनो का मतलब वन, पोली का मतलब सेलर, यानी एक ही सेलर होगा और एक ही बायर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, एक ही सेलर एक ही बायर, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको शायद पता होगा डीआरडीओ एक कंपनी है सरकार की, और ये कोई सामान बनाती है, मिसाइल एटसेट्रा, और वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास जाता है, आपके डिफेंस के पास जाता है। मान लेते हैं इनके पास कोई, इन्हें बाजूका मिली है, और बाजूका जो इन्होंने बनाई है, मान लेते हैं बाजूका जो आपकी 4.5 लाख की है, तो क्या मैं जाकर कह सकता हूँ कि अरे यार दो बाजूका पैक कर देना, बच्चे बड़ा परेशान कर रहे हैं आजकल कमेंट सेक्शन में, क्या बाजूका मुझे दे देंगे? वो नहीं देंगे मुझे। वाई? बिकॉज वहां पर उनका डील है कि मैं ही बनाऊंगा, आप ही खरीदोगे, ये इन दोनों की डील है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक भी यहाँ पे बायर या एक भी आपका सेलर यहाँ पे नया इंट्रोड्यूस हो जाए, मुझे दे देंगे यार, ये अंदर की बात है, क्या करें। चलो ध्यान से समझे, डील आपस में फिक्स हो चुकी है। अगर मैं आपसे कहता हूँ डुओपोली, इसका एग्जाम्पल आप मुझे दोगे, सिर्फ दो बेचने वाले हैं, बिकॉज डुओ का मतलब दो, पॉली का मतलब सेलर, और खरीदने वाले हजारों हैं, मैनी बायर्स, बताओ इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बताओ। सिर्फ दो ही सेलर आपको दिखेंगे, अभी आपने डिस्कस भी करा मेरे साथ। डोमिनोज पिज्जा हट को आप इसमें मोटे मोटे तौर पे फिक्स कर सकते हो, बिल्कुल। और बताएं, आईओएस माइक्रोसॉफ्ट कह सकते हो, डोमिनोज पिज्जा हट बिल्कुल। क्या मैं कह सकता हूँ पेप्सी और आपका कोका कोला? भाई बाकी जो ब्रांड्स है वो तो इन्हीं की है ना, पेप्सी को एंड कोका कोला, भाई जितनी ब्रांड्स आपको दिखेंगी सब इन्हीं की है। क्या मैं यहाँ पे मोटा मोटे तौर पे फ्लिपकार्ट और अमेजोन कह सकता हूँ, अगर मैं स्नैपडील को उतना बड़ा कॉम्पिटिटर ना मानू तो? ये मतलब मेरे सोचने के ऊपर है, अगर स्नैपडील को उतना बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं मानता तो। क्या मैं यहाँ पे जोमैटो और स्विगी को मान सकता हूँ, जो कि अभी मैंने किसी और में डिस्कस करा था, बिकॉज अब मैं यहाँ पे किसी और कॉम्पिटिशन को नहीं मान रहा। हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, HUL और ITC बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में, तो सिगरेट कौन सी कंपनी बनाती है, कोई मुझे बता सकता है? ऊबर, ओला, वेरी गुड एग्जाम्पल। और बताओ, ट्राई करो यार, फटाफट आओ, इंट्रैक्शन करो। ऊबर और ओला बिल्कुल बढ़िया एग्जाम्पल है। ITC बनाती है, बिल्कुल सही। ITC की फुल फॉर्म कोई बता सकता है? इंडियन, और कंपनी टी की बता दो, ज्यादा मेहनत नहीं कराता मैं। पेटीएम, गूगल पे, बहुत से एग्जाम्पल सारे, शाबाश। टोबैको, सही बात है, टोबैको बिल्कुल सही। मैं उम्मीद करूँ कॉन्सेप्ट आपका पकड़ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट आपका जैसे जैसे पकड़ में आ रहा है, थोड़ा बहुत आप चीजों को सीख पा रहे हैं। विमल और जुबान केसरी बेटा ये नहीं है, बिकॉज विमल और जुबान केसरी सब एक ही बात है, ऐसी बातें मत करो, पाप मत करो। जो केसरी है वो पग होनी चाहिए, जुबान नहीं, ये बात ध्यान रखे। केसरी बनानी है, पग बनाओ, जुबान नहीं। चलो आगे चलते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। चलो आगे चलते हैं। अब अगर मैं मान लेते हैं मैं आपसे बात करता हूँ मोनोपसोनी की, तो मोनोपसोनी भी आपको समझ आ गया होगा। क्या एक बार फटाफट से पूरा सेशन आपको रिवाइज करा दिया जाए, आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया जाए, बिकॉज कुछ बच्चे लेट आए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें समझ नहीं आया है। 5 मिनट आप स्क्रीन पे फोकस करेंगे, ये मैं प्लस क्लासेस में भी करता हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ, और उस बीच आप कोई कॉमेंट नहीं करेंगे, पूरे तरीके आप फोकस करेंगे, एंड दिस रिविजन विल बी फॉलोड बाय टेस्ट। फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, पहले निपट गया पहले फ्री कर देंगे, 1 घंटा लग गया, 1 मेरा टाइम का कुछ नहीं है, जब निपटेगा आपको भेज देंगे, ठीक है। नहीं, कमेंट सेक्शन खुल रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अगर मैं बड़ी कंपनी की बात करता हूँ सिगरेट की केस में, तो एक ही बड़ी कंपनी है, आप आईटीसी कहेंगे, इसलिए वो आपकी, अगर आप आईटीसी के लेवल पे सोचते हो मोनोपोली है, लेकिन जब आप उससे नीचे आते हो सिगरेट के अलग अलग ब्रांड्स में जाते हो, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लूंगा, तो वहां पे आप कहेंगे ओलिगोपोली की कंडीशन आ जाती है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, मैंने आपको बताया जो मार्केट होती है यानी जो बाजार होता है, उसके अंदर आपको एक तो खरीदने वाला चाहिए, एक आपको बेचने वाला चाहिए, एक आपको सामान चाहिए, एक आपको दाम चाहिए, और एक आपको मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन की फीलिंग चाहिए। और चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ मान लीजिए टाइप्स ऑफ मार्केट की, सारे एग्जांपल दूंगा, चिंता ना करें। सबसे पहले आपका आएगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जिसके अंदर बेचने वाला बहुत सारे, खरीदने वाले बहुत सारे, सेम कॉपी पेस्टेड सामान, पूरी दुनिया वही स्क्रीन गार्ड बेच रही है 50 रुपए का, एग्जैक्टली वही स्क्रीन गार्ड बेच रही है, तो उसका दाम भी फिक्स होगा, 50 का होगा तभी आप बेच पाएंगे, 40 का होगा कुछ नहीं बचेगा, 60 का होगा कोई नहीं खरीदेगा, तो दाम इसका फिक्स होगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल इसका हमने समझा सब्जी मंडी हो गया, या फिर इस टाइप की कोई भी जो आपके फैक्टर, जैसे कि चावल की मंडी हो गया, गेहूं की मंडी हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पर जो दुकान है, जो दुकान है उसका प्राइस पे कोई भी कंट्रोल आपका नहीं होगा, बिकॉज दुकान को जो पीछे से रेट मिलते हैं वही रेट उसमें अपना मार्जिन जोड़ के वो आगे अपना लगा के बेच देगी। मैं उम्मीद करूं आप बात समझ गए। मैं जानता हूं ये लिख के आपका मन हल्का हुआ होगा, बिकी हुई मीडिया, लेकिन सच में यार मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता मैं। चलो अब आगे चलते हैं। अब अगर मैं आपसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करता हूं, तो बेचने वाले खरीदने वाले सब हमने डिस्कस कर लिए है, और अब मैं आपसे बात करता हूं मोनोपोली के बारे में। मोनोपोली के केस में एक ही बेचने वाला है और खरीदने वाले बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल इसका इंडियन रेलवे, एग्जाम्पल इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक एग्जाम्पल है शक्तिमान का, इसे मैं आगे लेके चलना चाहूंगा। शक्तिमान कह रहा हूँ, शक्तिमान तो मोनोपोली में आएगा, लेकिन अगर मैं आपसे मान लेते हैं अमूल की बात करता हूं, तो अमूल जो है मदर डेयरी के साथ कौन सी चीज में आएगा, देखिए जरा आपका आंसर, डुओपोली में आएगा, मोनोपोली में आएगा, या ओलिगोपोली में आएगा। सिर्फ दो ही मेन कंपनी है, बाकी कुछ रीजनल कंपनी से जैसे कि पारस हो गई, या फिर आप कहेंगे आनंदा हो गया और अनिक हो गया, ये सब रीजनल कंपनी से, लेकिन बेसिकली देश के लेवल पे दो ही कंपनीज है, मदर डेयरी एंड अमूल। आप चाहे तो डुओपोली में फिट कर सकते हैं, अगर आप सब कंपनीज को मानेंगे तो उस केस में आप फिट किसे कर सकते हैं, उसे ओलिगोपोली में फिक्स कर सकते हैं। आगे बहुत सारे नाम आपने बता दिए, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया, कहानी को आगे लेके चलते हैं। आपको मोनोपोली समझ आ गया होगा, मोनोपोली में एक ही खरीदार है, एक सिंगल खरीदार है, और बेचने वाले बहुत सारे हैं, बेचने वाले बहुत सारे हैं, खरीदार आप कहेंगे एक ही है, और आप इस चीज को समझे एक सेकेंड। मोनोपोली में खरीदार एक है, बेचने वाले बहुत सारे हैं। एग्जांपल इसका मैंने आपको दे रखा है, एग्जांपल इसका FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक ही कंपनी है जो कि खरीदती है रूबिया, और बेचने वाले किसान लाखों हो सकते हैं, और ये जो बेचने वाले हैं बेसिकली आप कहेंगे यहाँ पर जो है मैनी सेलर्स हो गए, और खरीदने वाले आपके मैनी बायर्स हो गए। आगे चलते हैं, मोनोपोली की हमने बात करी, मोनोपोली की हमने बात करी, यहाँ पे प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलता है, और उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ कॉलेज के चाय वाले की बात करी, और चूकर वाले की बात करी है, टेबल टेनिस वाले की बात करी है, और भी बहुत सारी हमने यहाँ पे बात करी है। आपके मोनोपोली का है, मोनोपोली का है, मोनोपोली का है। आगे चलते हैं, और अब मैं आपसे मान लेते हैं बात यहाँ पे करता हूँ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और मोनोपोली में फर्क की। वो फर्क ये है कि इसमें एंट्री एग्जिट बहुत आसान है, इसमें एंट्री एग्जिट बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ फॉर एग्जांपल, इधर आपसे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपसे पूछे, पानी का बिल जब आता है, हाउस टैक्स, अच्छा हाउस टैक्स क्या है, हाउस टैक्स के केस में मोनोपोली है क्या है, हाउस टैक्स के केस में क्या होगा, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, डुओपोली, मोनोपोली बिकॉज एक ही सरकार है जिसके पास वो जाने वाला है, इनकम टैक्स, मोनोपोली, ठीक है। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं, सभी चीजें बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट जो है ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जैसी है, मोनोपोली जैसी नहीं है, बिकॉज इसका एग्जिट इसलिए डिफिकल्ट है बिकॉज वो एग्जिट नहीं करना चाहेगा। अगर मुझे किसी काम में बहुत सारा मुनाफा हो रहा है तो बहुत मुश्किल ही चांस है कि मैं उस कंपनी को छोड़ के अपना काम बंद करूंगा, बहुत कम चांस है कि एयरटेल अपना टेलीकॉम बिजनेस बंद कर देगा बिकॉज उसे ऑलरेडी बहुत सारा फायदा हो रहा है।
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में बहुत सारे बेचने वाले बहुत सारे खरीदार होंगे, लेकिन जो सामान है वो आपके अलग अलग होंगे, बस ये फर्क है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एंड इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूँ, आगे चलते हैं, हमने कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल, मॉल के एग्जाम्पल देखे, ये सब इसके अंदर कवर होते हैं। ओलिगोपॉली जो है आपका, इसके अंदर फ्यू सेलर्स है लेकिन वो बड़े सेलर्स है, जैसे कि एयरलाइंस हो गया, टेलीकॉम हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स आपने इसमें मुझे दिए और मैंने दो तीन बताया, बाकी सब आपने ही बताया, पेट्रोल पंप हो गया और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। और एक कार्टर सिस्टम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ओलिगोपॉली की खास बात है, ये इसमें आपस में समझौता हो जाता है जिसके तहत आप कहेंगे मिली जुली सरकार बन जाती है, यानी सब लोग अपना अपना दाम फिक्स कर देते हैं और फिर कस्टमर को लूटा जाता है। ये कुछ हमने सिस्टम पढ़े हैं, मुझे एक बार कंफर्मेशन देंगे, आर यू अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, एक बार मुझे बताएं क्या पकड़ बनी है, थोड़ी बहुत सिर्फ आपका आधा पौना घंटा लिया है, मैं जानता हूं बहुत सारा कंटेंट तो मैं नहीं दे पाया बिकॉज जो टाइम है आपका एक ही घंटे का है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या पकड़ बनी है आपकी? अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूं और उन सवालों को करा के मैं आपको फ्री कर दूंगा, टाइम वाइम का कुछ नहीं है। देखो क्लास रखने का क्या था, मैं आपको बताऊं, हमने बाकी चीज जो पूरे महीने करनी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो मेरा मन था, मैं आज फ्री था यार 6:30 बजे, मेरी आदत ऐसी खराब है आपसे मिलने की कि बस हमने सोचा मिल लेते हैं यार, क्या कर सकते हैं, क्योंकि आदत पड़ी हुई है 6:30 आपकी क्लास लेने की, तो इसी तरीके हमने सोचा क्लास ले लें। और बाकी अगर कोई भी ऐसा है जो इकोनॉमिक्स जिसे लग रहा है समझ आ रही है, मुझे बताओ कुछ समझ आया है, लग रहा है किताब से ज्यादा कुछ समझ आया, बिकॉज प्रैक्टिकली देखो फर्क ये होता है कि किताब से जब आप पढ़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कोई समझाता है, आपके साथ डिस्कस करता है, तो चीजें आपके दिमाग में लंबे समय तक टिकती है। तो अगर आप सोचो तो आप अनअकैडमी प्लस पे आ सकते हो, आपको पता ही है अपना जो प्लैटिनम बैच है, और सबसे बढ़िया बात क्या है, एक ही क्लास हुई है और ये क्लास आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में इस समय अवेलेबल है, रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। तो कोशिश करो इस क्लास को देखो फटाफट से और अपना नोट्स बनाओ, बहुत सारा पोर्शन तो मैंने आपको यहाँ बता दिया और बचा हुआ जो पोर्शन आप क्लास में देख सकते हो, ये जो क्लास है आपकी आज 1-3 हुई है प्लैटिनम बैच के अंदर, प्रतियोगिता मंत्रा सर्च कर लेना, प्लस पे ऑलरेडी हो तो इसमें एनरोल कर सकते हो, प्लस पे अगर नहीं हो तो प्लस पे आने के लिए इस कोर्स के साथ साथ बाकी सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज देख सकते हो। ये कोर्स आप सभी ने जरूर लगाना है, स्टैटिक जीके का जो ये कोर्स है, ये भले ही रिकॉर्डेड कोर्स है लेकिन ये स्टैटिक जीके के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा आपका, और इसे अगर आप लगाओगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, जो CHSL 19 देख आए वही मतलब ये बात रिव्यू दे रहे हैं कि ये इस कोर्स से आपको काफी फायदा हुआ है, इस चीज को आप ध्यान रखें। ये जो आपका कोर्स है, बाकी सारे कोर्सेज हैं, चाहे वो ऑल इन वन रिकॉर्डेड बैच हो। अच्छा, इसके अलावा एक बैच आप सभी को ध्यान रखना है, आइकॉनिक बैच आ रहा है, ये डेट आप सब लॉक कर लेना भाई, अपनी कॉपी में नोट कर लेना 10 तारीख को, इसमें बहुत सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें मेरी जो क्लासेस है वो 15 तारीख के बाद स्टार्ट होंगी और 100+ आवर्स का साइंस पढ़ाने का मैं प्लान कर रहा हूँ, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी में आपको यहाँ पे दोबारा पढ़ाऊंगा डिटेल में, तो ये भी आप आराम से देख सकते हो। और बाकी एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज भी अनअकैडमी प्लस पे देख सकते हो एक सिंगल प्लान लेके। वैसे तो ये जो कोड है आपका पूरे अनअकैडमी प्लस पे लागू है, चाहे आप UPSC की तैयारी करो, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी कैटेगरी में तैयारी करो, डिस्काउंट कोड PMYT है, बिना स्पेस के आपको लगाना है, क्रेडिट जरूर लगाने हैं, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, ये ध्यान रखा करो, क्रेडिट जरूर लगाया करो, इससे ही आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। बाकी अगर नहीं समझ आ रहा कैसे लेना, लिंक मैंने दे दिया है, मैं उम्मीद करूं आपको सीखने को मिला है। अब मैं एक छोटा सा आपका टेस्ट लेना चाहूंगा, फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा, 20 सवाल। सवाल नंबर 1, ईमानदारी से स्कोरिंग करेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से, ईमानदार। कल का जो आपका सेशन है, अच्छा हाँ, कल 3-4 बजे आपकी एक स्पेशल क्लास है जिसमें मैं कुछ बेहतरीन सवाल आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो MCQ फॉर्मेट में होगा और वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे CGL के, तो वो क्लास आप सभी ने लगानी है। कल सारा दिन आपकी अनअकैडमी प्लस पे स्पेशल क्लास है और इस चीज को ध्यान रखें कि ये 3-4 वाली क्लास में मेरी चलेगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। आज नहीं हुई 3-4, एक कल आपकी स्पेशल क्लास है, बाकी प्लस पे आपकी क्लास 12-2 बजे तक है। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, ईमानदारी से आंसर देंगे और ईमानदारी से स्कोर बताएंगे। अगर 10-20 स्कोर आ गया मैं खुश हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, टेक योर टाइम, अपना अच्छे से आंसर दे, ठीक है। सुनते हैं जरा पहले सवाल को। सबसे पहले मुझे बताएं कार्टर सिस्टम जो है वो कौन सी चीज से जुड़ा है। दूसरा सवाल जो मेरा आपसे रहेगा, एक एक करके आप आंसर देंगे, ओलिगोपॉली, ये शायद याद होगा, ये चिकारा भाई है, अगर आपको याद होगा ये स्पेशल क्लास का चिकारा है जो कि आप मक्खन के तरीके पर आंसर दे पा रहे हैं। अब देखो कितने बढ़िया से हो गया। दूसरा सवाल मेरा रहेगा, टेलीकॉम सेक्टर में जनरली आपको कौन सी चीज देखने को मिलती है, मोनोपोली, डुओपोली,
ओलिगोपोली या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट? आपका आंसर होना चाहिए ओलिगोपोली, बिकॉज कुछ सेलर्स हैं जो कि बड़े सेलर्स हैं। तीसरे नंबर पे आपसे अगर मैं पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंडियन नेवी, ये किस कैटेगरी में आएगा? मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली? इंडियन नेवी अपनी है, अब अपना जहाज लेके मैं एक था टाइगर बन के ऐसे नहीं जा सकता हूँ। वो कैटरीना कैफ के साथ चला गया तो चला गया, अपन लोग ऐसे नहीं जा सकते कि अपनी बोट ली और पता नहीं कहाँ चलेगा, अपना ऐसा कोई रोल नहीं है। मोनोपोली कुछ भी दिखाते हैं यार, बताओ पैसा ही पता नहीं कहाँ से आता है इन लोगों पे, इतना हम तो प्लान ही करते रह गए ऐसे जाने की, बताओ। कार्टल, टेलीकॉम, नेवी की हमने बात कर ली है। और इसके बाद अगर मैं आपसे मान लेते हैं बात करता हूँ अगले नंबर पे वेजिटेबल मार्केट की, वेजिटेबल मार्केट इज वेरी क्लोज टू बीइंग अ, ऑप्शन में आपका मोनोपोली है, दूसरे नंबर पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है, तीसरे नंबर पे आपका ओलिगोपोली है, और चौथे नंबर पे आप कहेंगे डुओपोली। आपका आंसर अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। पांचवा सवाल अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, पांचवा सवाल जो आपका रहेगा वो ये रहेगा कि अगर मैं यहाँ पे आपसे मान लेते हैं बात करता हूँ पेप्सी एंड कोका कोला, पेप्सी कोका कोला जो है अपना कोल्ड ड्रिंक की ब्रांड में दो मेन प्रोड्यूसर्स है कोल्ड ड्रिंक के, ये कौन सी टाइप की मार्केट है? आप कहेंगे डुओपोली है। देखो डुओपोली अलग चीज होती है और बायलेटरल मोनोपोली अलग चीज होती है। बायलेटरल मोनोपोली का कोई भी एग्जाम्पल दे दो मुझे, पेप्सी कोका कोला, डोमिनोज, पिज्जा हट, बायलेटरल मोनोपोली लिख रहा हूँ, डीआरडीओ एंड डिफेंस, डीआरडीओ एंड डिफेंस, अगर आपका आंसर आ रहा है तो आपका आंसर परफेक्ट है डिफेंस। ये सवाल नंबर 6 हो गया, 20 सवाल डिस्कस करके जाएंगे, पूरे टॉपिक को निचोड़ देंगे, इसके अलावा कोई सवाल बनने के बहुत ही कम चांस है। अगले नंबर पे मैं कहता हूं व्हेन देयर इज, ये आपका सीजीएल की स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ओनली वन बायर, ये सीजीएल का एग्जैक्ट सवाल लिख रहा हूँ, एंड मेनी सेलर्स, द सिचुएशन इज कॉल्ड या द मार्केट कंडीशन इज कॉल्ड मेनी सेलर्स। अगर आप इसे वन बायर, वन खरीदने वाला है, बेचने वाले मेनी है, आप मोनोपोली कहेंगे, मोनोपोली कहेंगे, मोनोपोली, मोनोपोली याद रखेंगे। आठवें नंबर पे अगर मैं आपसे मान लेते हैं पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एफसीआई एंड फार्मर्स, ये कौन सी कैटेगरी में कवर होता है? एफसीआई एंड फार्मर्स आपके कौन सी कैटेगरी में कवर होता है? आप कहेंगे ये मोनोपोली के अंदर कवर होता है। नौवां मेरा आपसे जो सवाल आएगा वो ये आएगा कि दिल्ली मेट्रो और मुंबई मेट्रो, कोलकाता मेट्रो एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ, वो अपने अपने इलाके में। अब ऐसा नहीं है कि दिल्ली मेट्रो में मेरा जाने का मन नहीं, नहीं, एक बार ऐसे चटाली ध्यान से सुनो, आई होप मैं आपका नाम सही ले रहा हूँ, दिल्ली मेट्रो में मेरा जाने का मन नहीं है तो मैं यहाँ से ये नहीं करूंगा मुंबई की मेट्रो उठा लाया ना, कि ना भाई ना, मैं तो ये चलाऊंगा, मेरे पास तो मुंबई मेट्रो की टिकट है, मुझे तो मुंबई मेट्रो में जाना है। वो उस इलाके की मोनोपोली हो गई, ये इस इलाके की मोनोपोली हो गई, ये आपके एग्जाम्पल हो गए मोनोपोली के। आगे चलते हैं, अगर मैं आपसे कहता हूँ गवर्नमेंट बस सर्विस, कीप दिस इन माइंड, सरकारी बस जो चलती है इस केस में क्या है? सिर्फ सरकारी बस की बात करता हूँ, मोनोपोली है। और अगर मैं इन जनरल बात करता हूँ, इन जनरल मान लेते हैं, तो ऑप्शन में आपको ओलिगोपोली मिलता है, मोनोपोली मिलता है, मोनोपोली मिलता है, मोनोपोली मिलता है, और आपको मिलता है एग्जाम्पल के तौर पर बायलेटरल मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट नहीं है ऑप्शन में, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट नहीं है ऑप्शन में। आपका आंसर इसका होगा इन जनरल। देखो क्या है, एक तो सरकारी बस चलेगी, याद करो सरकारी बस जो कि बस अड्डे के अंदर से मिलती है, एक वो बाहर बस वाला खड़ा होता है जो कहता है हरिद्वार जाओगे, हरिद्वार जाओगे, हरिद्वार जाओगे, वो हरिद्वार तुम्हें ले जाता है और फिर तुम्हें क्या कहता है, गड़गंगा पे उतारे के कहता है बस खराब हो गई। याद करो यार वो सिचुएशन, आधे रास्ते जब तुम्हें बैठा लेता है, तुम्हारे घर का रास्ता 3 घंटे का होता है लेकिन 4 घंटे तुम बस के अंदर ही बैठे रहते हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सबसे पहले ही पैसे ले लेता है वो जो कंडीशन है, अगर आप उसे मिलाते तो फ्यू सेलर्स हो जाएंगे यहाँ पे। यूनिक कॉन्सेप्ट में देखो, स्पेशल में तो इकोनॉमिक्स कंप्लीट होना इम्पॉसिबल है बेटा, ऐसा इसलिए बिकॉज 40 घंटे की इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा, आई होप आप समझ रहे हो किस लेवल की इकोनॉमिक्स में पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको। और देखो एक चीज आपको समझनी होगी, ये जो बैच है ना डिटेल्ड बैच है, तो एक चीज आपको समझनी होगी, जितना मौका अभी आपके पास पड़ेगा इतना फ्यूचर में नहीं मिलेगा। मुझे बस इतना बताओ, अगर पेपर में 1 महीना रह जाएगा तो क्या आपको लगता है मैं 40 घंटे की इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाऊंगा?
मान लेते आप पेपर के समय अनअकैडमी प्लस पे आते हो, मेरे लिए इम्पॉसिबल है यार, मैं कहाँ से इतना समय निकाल पाऊंगा, बिकॉज मुझे बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करने होंगे। उस पॉइंट पे मैं रिवीजन बैच लाऊंगा, कुछ रिवीजन बैच लाके वहां से आपको सिखाऊंगा, जैसे कि रिवीजन बैच है तो यहाँ पे तो स्पीड में काम होगा, टॉपिक्स यहाँ भी कवर होंगे, बट प्रैक्टिकली पक्का आपका टॉपिक यहाँ से हो सकता है। तो ये बहुत बढ़िया मौका है, देखो इस बारे में सोचना, और अपने आप को राखी का एक गिफ्ट दे सकते हो आप, और बिकॉज खर्चा आपका होने वाला है, राखी पे होना भी चाहिए कायदे से, तो आप अपने लिए भी कुछ सोच सकते हो इस बारे में। आगे चलते हैं, सवालों को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं हम कहाँ तक पहुंचे थे। चलो देखते हैं जरा, हम यहां तक पहुंच गए, सवाल नंबर 10 तक हमने देख लिया, सवाल नंबर 11 भी हमने देख लिया, सवाल नंबर 12 देखते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको सेशन में मजा आ रहा है, आप चीजों को सीख पा रहे हैं। 12 नंबर 13 नंबर, कौन सी ऐसी है इनमें से, एक मोनोपोली, एक आपका डुओपोली, एक आपका ओलिगोपोली, ओलिगोपोली एक आपका है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, जिससे एंट्री एंड एग्जिट ईजी है, ईजी आसानी से आओगे आसानी से जाओगे। भाई ओलिगोपोली में भी रिलायंस जी वैसे तो नहीं चुटकी बजाती बंद कर देगा, डुओपोली में कोका कोला क्यों बंद करेगी अपनी कंपनी, मोनोपोली में तो डेफिनेट बेसिस पे कोई बंद नहीं करेगा, कोई कंपटीशन, यानी करेक्ट आंसर पीसीएम हो गया। 13वां सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ, मुझे बताएंगे फिर से, अगर मैं आपसे मान लेते हैं पूछता हूँ इन केस ऑफ, सब सवाल वैसे मैंने निचोड़ दिए पूरे तरीके, 12 सवालों में आपका पूरी कहानी निपट चुकी है, फिर भी एक दो सवाल मैं आपके बना के 15 सवाल आपके कर देता हूँ। मुझे बस इतना बता दो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, एंट्री एंड एग्जिट की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, एंट्री एग्जिट अगर मुझे डिफिकल्ट बनानी है तो मैं किस में बना सकता हूँ, आखिरी सवाल है आपका है, इसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा। 15 सवाल में सब निपट गया, कुछ है नहीं खास, मोनोपोली के अंदर बिल्कुल सही। सवाल नंबर आखिरी 14वां सवाल आपका ये है, सेशन कैसा लगा, सीधा सवाल भाई अपना तो ये है, मुझे बताओ वॉज इट वर्थ इट, एक घंटा मैंने आपका लिया है डेफिनेट बेसिस पे, और ये सेशन मैंने बिल्कुल मन से इसलिए लिया है बिकॉज कहने को तो इसकी नीड नहीं थी, बिकॉज जनरली मैं कभी ऐसा प्लान नहीं करता कि इकोनॉमिक्स की कोई डेमो क्लास टाइप, लेकिन मेरा मन था और मेरा मन भी था यार, मेरा क्लास वगैरह है नहीं, कल भी आपकी 6:30 नहीं थी, परसों भी नहीं है, परसों आपका वैसे रक्षाबंधन है, मैंने कहा यार क्लास ले लेते हैं थोड़ा। मैं उम्मीद करूँ आप सभी को मजा आया होगा, आप कुछ सीख पाए होंगे, अगर आप एक भी चीज सीखे हैं तो मैं उम्मीद करूँ आपको फायदा होगा, और इस चीज को भी देखो आप प्लान करो, बिकॉज यार ये जो टाइम है ना बड़ा कीमती है यार, इस बात को आपको समझना होगा, टाइम सच में कीमती है, और आप चाहो तो प्लान कर सकते हो, आज आराम से फुर्सत से बैठो, सोचो समझो और कॉल लो कि यार मतलब व्हाई नॉट, मतलब रीजन है कि आपके पास कुछ फाइनेंशियल इश्यूज अगर देखो सच में है तो मैं आपके लिए यहाँ बैठा ही हूँ, 6:30 आता हूँ, रोज पढ़ाता हूँ, वो तो मतलब हमारा सपोर्ट पूरा, बट प्रैक्टिकली आपको सोचना होगा कि सच में फाइनेंशियल इश्यूज हैं या फिर हम बस अपने आप को एक सांत्वना दे रहे हैं कि यार नहीं 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 छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मतलब अगर प्लान कर रहे हो तो जल्दी प्लान करो, लेट करोगे तो भी अपना नुकसान करोगे। ये जो आपका अनअकैडमी प्लस पे कोर्स है इकोनॉमिक स्पेशल का, ये आपको प्रतियोगिता मंत्रा बैनर के अंदर मिलेगा, प्लैटिनम बैच के अंदर मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना, आपको अलग से नहीं है, प्लैटिनम बैच सर्च करना, आज एक ही क्लास हुई है, रिकॉर्डिंग उसकी देख लेना आराम से, आपको मिल जाएगी, एंड ये इसकी पूरी क्लास रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा बाकी सभी एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज आप अनअकैडमी प्लस पे देख सकते हो, इसमें देश के जो बेस्ट एजुकेटर्स है सबके सब आपके इंक्लूडेड है, और इस बात को ध्यान रखना अलग अलग एजुकेटर्स के लिए अलग कभी नहीं पे करना होता, चाहे मेरा स्टैटिक का पुराना कोर्स हो, चाहे फ्यूचर में आने वाला कोर्स हो, चाहे रिकॉर्डेड कोर्स हो, सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज इंक्लूडिंग दिस आइकॉनिक बैच आपको मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस पे एक सिंगल प्लान के अंदर, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस अपना चाहे लिंक पे क्लिक करके अपना प्लान ले सकते हो, चाहे डिस्काउंट कोड PMYT लगा के कोई सा भी प्लान चूज कर सकते हो। अच्छा इस रेट में आपको तब मिलता है जब आप एक तो बिना स्पेस के लगाते हो इसे, और उसके साथ क्रेडिट्स जरूर लगाया करो, ये दो लगाओगे आपको इस रेट तक पड़ जाएगा एंड एक साल का इस रेट में पड़ जाएगा। बाकी कोड आपका अकेडमी प्लस में हर कैटेगरी में वैलिड है एंड किसी भी कैटेगरी में आप अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। कल आपकी स्पेशल क्लास 3 से 4 बजे है, कोई बात नहीं, चलो जब भी प्लान बने अपना प्लान बनाना, और डिस्काउंट कोड ध्यान रखना PMYT है, और जितनी जल्दी करोगे उतना फ्यूचर के लिए आपका बढ़िया रहेगा, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को मजा आया होगा, आप मिलते हैं आपसे कल, हम 12 से 2 बजे प्लस की क्लास में एंड 3 से 4 बजे आपकी स्पेशल क्लास में। 3 से 4 आप सभी को आना है बिकॉज वो एक MCQ क्लास होने वाली है, जिसमें आपको CGL के ही कुछ बेहतरीन सवाल मैं आपके साथ डिस्कस कराऊंगा। लीडर बोर्ड तो है नहीं बिकॉज आज कुछ सवाल हमने वैसे करे नहीं है MCQ में,
एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को मजा आया होगा. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड बाय. थोड़ा आराम करो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कुछ सीख के जा पाए हो. एंड मिलते हैं आपसे प्लस पे, ठीक है. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड बाय. मैं आपके दो चार डाउट्स देख लेता हूँ जितने पॉसिबल है, एंड उसके बाद आपसे हम मिलते हैं अगले सेशन में. बहुत बहुत शुक्रिया, जाना चाहे जा सकता, मैं सिर्फ डाउट्स देख रहा हूँ. प्रेशा, आज एक क्लास है एंड कल, आज दो क्लासेस हुई है. एक सुबह आपकी थी क्लास 10 से 11 बजे एंड एक क्लास अभी हुई है 6:30 बजे, एंड कल आपकी 3 से 4 बजे है. एक तो दिन के अंदर थोड़ा रक्षाबंधन के चक्कर में, बिकॉज आप लोग बहुत मेहनत करते हो, तो मेरा ये मानना था कि एक आध दिन की छुट्टी बनती है. इसी चक्कर में मैंने अभी क्लासेस नहीं रखी, आपको एक दो दिन के अंदर ही मैं अपडेट देता हूँ, आप चिंता ना करें. नहीं कृतेश, आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा. जिसने सुबह क्लास लगाई उसे क्लास नहीं देखनी है, बिकॉज ये क्लास आपको सुबह ऑटोमेटिकली कवर हो चुका है. मेरा एग्जाम नंबर स्टार्टिंग में सिलेक्शन क्वेश्चन, देखो सजेशन ये रहेगा सुमित, डिपेंड करता है बेटा अभी आपकी तैयारी कैसे चल रही है. आप ये सबसे पहले देखो, एक मॉक देखे कि आप कौन से सेक्शन में वीक हो. और सजेशन ये रहेगा, अनअकैडमी प्लस का देखो बेस्ट पार्ट है ये कि आपको ऐसा नहीं है कि आपने मान लेते हैं मेरा कोर्स ले लिया, किसी एक्स एजुकेटर का कोर्स ले लिया और आपको पसंद नहीं आया, मान लेते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो तो आपके पैसे खराब हो, ऐसा कभी नहीं होता. आपको बस आराम से अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके आराम से एक एक करके कोर्सेज देखो, जहां पे फ्रीक्वेंसी मैच हो बस कंटिन्यू करते जाओ और अपना आराम से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी. ठीक है रिया, मैं प्लान करता हूँ इसको लेके, चिंता ना करें. आप अनअकैडमी प्लस पे डेली पुलिस के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, एसएससी के सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो. आपको बस एक एसएससी का प्लान लेना पड़ेगा और आपकी आराम से तैयारी हो जाएगी. बाकी आप मेरे कोर्सेज देख सकते हो प्लैटिनम बैच सर्च करके, वहां पे आपको मैंने पूरा जनरल अवेयरनेस पढ़ा रखा है, मैथ्स पढ़ा रखी है, दीप्ति मैम ने इंग्लिश पढ़ा रखी है, मेरी रीजनिंग की क्लासेस भी आने वाली है. आई होप सभी को सेशन में मजा आया होगा. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड बाय. मिलते हैं आपसे अगले सेशन में. बहुत बहुत धन्यवाद.